जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चार पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हाई कोर्ट का जबरदस्त आदेश, पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। नंबर दो में बात करेंगे पीसीडीए पेंशन ने रक्षा पेंशन डिस्पोजल योजना की शुरुआत कर दी गई है, किस जगह पर की है वो हम देखते हैं, वो समझेंगे। तीसरे में पैरामिलिट्री फोर्स को भी सीएचडी जैसा लाभ अब मिलेगा। चौथे में बात करेंगे प्रधानमंत्री जी ने पोखरण से ओआरओपी पर क्या कहा है उसका विश्लेषण करेंगे। तो चारों पॉइंट समझते हैं इस वीडियो के बाद से। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है जो कि बहुत ही पेंशनर्स के हक में उसने बात कही। यहाँ पर आप देखेंगे जस्टिस नमित कुमार के द्वारा ये प्रतिक्रिया दी गई थी। क्या कहा उन्होंने, किस लिए कहा उन्होंने, एक चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके वैध बकाए का दावा करने के लिए 3 मामले दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था और न्यायालय ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया पंजाब नगर निगम परिषद को। और क्या कहा उन्होंने आगे, उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी सम्मानजनक जीवन जी सकता है जब उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने जीवन का समर्थन केवल सेवानिवृत्ति लाभों पर करना पड़ता है। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को निहित सम्मानजनक जीवन जी सकता है। यदि उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमति दी जाती है तो सेवानिवृत्ति लाभ जारी न होने की स्थिति में कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगा, ये उनका कहना है। आर्टिकल 21 क्या कहता है ये आप देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं, हिंदी में यहाँ पर है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। तो ये आर्टिकल 21 का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया दोस्त। अगली अपडेट में क्या है, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 188वीं रक्षा पेंशन निपटान योजना अमृतसर पंजाब में 13 और 14 मार्च 2024 को लागू की है। दोस्तों टाइमिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ डेट 13 और 14 मार्च 2024, समय 9 बजे से 4 बजे तक का है और इसका जो वेन्यू है मैदान 46 सशस्त्र रेजिमेंट थासा कैंट अमृतसर में इसका आयोजन किया गया है पीसीडीए के द्वारा। दोस्त इसमें सभी रक्षा पेंशन भोगियों, सेना, वायुसेना, नौसेना और रक्षा नागरिक से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में भाग लें और अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करें। कच्छ से जुड़े पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर लेकर साथ में आए। तो ये आयोजन किया जा रहा है पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के द्वारा। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये जगह जगह हर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस तरह से यदि आयोजन होता है तो पेंशनर्स का समाधान तुरंत होगा। दोस्त अगला अपडेट है दोस्तों सीएपीएफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सीएपीएफ कैंटीन पैरामिलिट्री फोर्सों के जवानों के लिए बड़ा ऐलान, कैंटीन के सामान पर आधा जीएसटी ही चुकाना होगा। अर्थात ये बहुत दिनों से इनकी मांग थी पैरामिलिट्री फोर्स की कि इनको भी कैंटीन की तरह सुविधा दी जाए, तो इसलिए जितने भी इनके स्टोर है पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो स्टोर है उनका अब 50% जीएसटी छूट कर दी गई है। यदि उसमें छूट होगी तो जितने भी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार हैं, उनमें अब सामान सस्ता मिलेगा, यानी कि एक तरह से सीएचडी की तरह ही उनको यहाँ पर सस्ता सामान दिया जाएगा। तो अगला अपडेट हमारा रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज भारत शक्ति पोखरण राजस्थान में गए थे और वहाँ पर एड्रेस किया उन्होंने। उस एड्रेस में उन्होंने ओआरओपी के बारे में भी कुछ बातें की है जो की आपको एक पहले क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है, उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब
जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। तो ये दोस्तों आपने क्लिप देखा जिसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वो आरओपी पर उन्होंने कहा है कि राजस्थान के 1.75 लाख रक्षा कर्मियों को ओआरओपी के तहत 5000 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। दोस्तों अब दोस्तों इसको हकीकत से देखें, ओआरओपी लागू हुआ पर पूर्ण रूप से नहीं, किसी को मिला, किसी को कुछ कुछ मिला, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला। नंबर दो में ओआरओपी लागू कर अफसर्स जेसीओ जवान आपस में बांट दिए गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक साल से जेसीओ जवान धरने पर बैठ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इन आरोपी में जो विसंगतियां थी उनको दूर करने की मांग लगातार कर रहे हैं। और इन विसंगतियों को यदि नजरअंदाज किया जाए तो दोस्तों आने वाली आरोपी 3 में भी विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विसंगतियों को शीघ्र दूर करना अति आवश्यक है। दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।